Hello friends, good morning. Welcome back to Jet Plus Academy channel. Today I am going to solve question number 2 of exercise 3.7. It has been taken from linear equation to variables. This is optional part. Question is, one says, give me 100 rupees friend, I shall be become twice as rich as you. एक दूसरे से बोलता है अपने दोस्त से कि अगर आप मुझे 100 रुपीज दे दो तो मैं आपका जितना होगा उसका मैं डबल हो जाऊंगा। द अदर सेज रिप्लाइज अगर रिप्लाई करता है कि इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज यू, और दूसरा वाला ये रिप्लाई करता है कि अगर आप मुझे 10 रुपया आप मुझे दे दो तो मैं आपका 6 times हो जाऊँगा, 6 गुना हो जाऊँगा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, मतलब उनका जो है सॉरी एम्प्रोर के रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, यानी उनके पास कितनी पूंजी है दोनों के पास अलग अलग पूछ रहा है। एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर सेकंड बीसगढ़ से, ठीक है। नाउ प्लीज जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को अगर दम है इसके टीचिंग में, कंटेंट्स में, वे ऑफ टीचिंग में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तमाम इस तरह के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, इसको लास्ट तक प्लीज़ आप लोग देखिएगा कि यह आपके हाई स्कूल में ही नहीं है बल्कि इवन जितनी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी आपके इवन UPSC तक, PCS तक, UDA, LDA, SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन स्पम करते हैं। इनको बोलते हैं शिफ्टिंग क्वेश्चन बोलते हैं। याद रखिएगा इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है आपको कोई जल्दी टेक्स्ट में सब चीज़ें वो नहीं रेफर की जाएगी, इन तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है इनको शिफ्टिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप बहुत ही ईजी, दिस इज़ एक्सट्रीमली ईजी कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो पर्सन है, यहाँ पर देखिए दो पर्सन बोल रहे हैं कि नाउ सी इसमें दो पर्सन हैं, मान लीजिए पहला ए मान लीजिए और दूसरा उसका फ्रेंड बी है। अब आपको अमाउंट पहले इनका वट एवर इनिशियल अमाउंट यू डोंट नो, सपोज दैट ए के पास एक्स रुपीज है, ए इज हैविंग एक्स रुपीज एंड बी इज हैविंग वाई रुपीज। बहुत इजी है, इसको बस थोड़ा साइलेंटली बिल्कुल कुछ कंसंट्रेट ढंग से समझिएगा, बस एक बार समझिएगा। ए के पास मान लीजिए एक्स रुपीज है, बी के पास वाई रुपीज है, ठीक है। आपके पास अनोन, मतलब आप अनोन है उनके बारे में कितना उनके पास है, तो ए करता है बी से, ए बी से करता है कि अगर आप 100 रुपीज़ दे दो तो मैं आपका डबल हो जाऊंगा, कम ऑन। अब अगर बी पहली की फर्स्ट केस, अगर बी इसको 100 रुपीज़ देता है तो ए के पास हो जाएगा एक्स प्लस 100 रुपीज़, इतना हो जाएगा। और बी के पास, बी चूंकि 100 रुपीज़ दे दिया है तो इसके में से 100 रुपीज़ कम हो जाएगा, ठीक। तब इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, तब इस कंडीशन में ये बोल रहा है कि जब मेरे पास ऐसी स्थिति होगी तो जो आपका अमाउंट है आई विल बी ट्वाइस ऑफ दैट, ठीक है। यानी दिस अमाउंट, ए का अमाउंट तब इक्वल होगा जितना बी का अमाउंट है उसके डबल के बराबर, और इसी से आपका फ्रेम हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म a1x plus b1y इज इक्वल टू c1 में हम इसको लाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2y हो जाएगा, 2 का माइनस 100 में होगा माइनस 200 होगा। अब अगेन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ड्रैग करना है, चलिए 2y को इधर लाइए और 100 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू इधर प्लस 100 उधर जाके माइनस होगा, दिस विल बी माइनस 300, राइट। ये आपका हो जाएगा माइनस 300। अब आपका एक इक्वेशन आपका एक तैयार हुआ, इसको आप किनारे रख लीजिए, एक्स माइनस 2y
इज इक्वल टू माइनस 300 रुपीज। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, किससे? फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब देखिए, जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, अब अदर रिप्लाइज, अब दूसरा बोलता है कि इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज यू, यानी अगर आप मुझे 10 रुपीज कर दो, यानी देखिए अब वाई बोलता है कि अगर यक्स इसको 10 रुपीज दे दे तो यह इसके अमाउंट का, मतलब इसका 6 गुना ही इसके पास अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर यक्स 10 रुपीज इसको देता है तो बी के पास हो जाएगा वाई प्लस 10, बी के पास वाई प्लस 10 होगा, और यक्स के पास चूँकि 10 रुपीज दे दिया है तो उससे 10 कम हो जाएगा। इस कंडीशन में जो बी पर्सन वो बोलता है कि जितना अगर 10 रुपीज़ आप हमको दे दोगे, यानी वाई प्लस 10 अगर हो जाएगा, तो जो एक बी पर्सन के पास अमाउंट होगा इसका ये 6 टाइम होगा, यानी वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अमाउंट वट एवर बी हैविंग। ठीक है, कमान। अब इसको अगेन जो है आप लाते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कमान, वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई करिए, 6x हो जाएगा, माइनस 10 में होगा माइनस 60 हो जाएगा, 6x को इधर खींचेंगे माइनस 6x, ठीक है, प्लस y, और 10 को आप उधर भेजेंगे तो 10 इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस 70, राइट। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ठीक है, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। ये देखिए, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम इन सबको मिटा देते हैं, ध्यान रखिए, अब इसको इरेज करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने चलते हैं, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस ध्यान देना कि इसको एलिमिनेट कर लिया जाए। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए आप साफ साफ एक चीज़ देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 1 है, और यहाँ माइनस 6, यहाँ प्लस 1 है। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे इजी जो आपका होगा, सबसे इजी होगा कौन सा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यानी जो कम से कम कोफिशियंट आपको मिले तो मल्टीप्लाई करने में ईजियर होता है, तो वही पैसे आप जल्दी यूज किया करिए। कमान, अगर हम सेकेंड इक्वेशन, अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई टू एंड एडिंग, और इसके बाद जोड़ देंगे तो ये माइनस 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 प्लस जो है एक नल हो जाएगा। ठीक है, बाई टू एंड एडिंग वी गेट, हम पाते हैं, चलिए पहला इक्वेशन आपका एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 300 है, दूसरा आपका है माइनस, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 12x, और यहाँ पर प्लस 2y इज इक्वल टू 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करना है, चूँकि बाद में ऐड करना है, माइनस 2y प्लस 2y प्लस हो गया, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस, ये आपका माइनस 440 हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करेंगे, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 11 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, इज इक्वल टू 40 रुपीज़। यानी देखिए, अब एक्स के पास जो अमाउंट आया, कमान, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं इक्वेशन में, यहाँ से लेकर के वैल्यू ले लीजिए, एक आया ए बी, यानी मिस्टर ए के पास जो एक्स की वैल्यू आई वह कितना आई, 40 रुपीज़। ठीक है, ये 40 रुपीज़ आ गई। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, देखिए वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ठीक है, या माइनस 2y इज इक्वल टू 40 उधर जाएगा माइनस 340 हो जाएगा, या फिर दो तरफ से माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 170 रुपीज़। ठीक है, यानी बी पर्सन के पास
जो वाई रुपीज़ है उसकी वैल्यू आई 170 रुपीज़। नाउ यू हैव टू वेरीफाई, अब आपको वेरीफाई करना है। मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि आपकी जो बोर्ड कॉपी हो या जहाँ पर भी उसमें राइट हैंड साइड एक्सट्रीम में जो है रफ वर्क होता है, तो रफ वर्क में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। अब देखिए जो जो कंडीशन है उस कंडीशन पे जस्ट आई एम गोइंग टू वेरीफाई दिस सॉल्यूशन वेदर आई हैव डन राइट और रॉन्ग। ठीक, कम ऑन। पहली कंडीशन, अगर ये बोलता है अगर आप मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मैं आपका डबल हो जाऊँगा। चलो अब देखिए, अगर ये 100 रुपीज़ देता है तो इसके पास हो जाएगा 70 रुपीज़, इसके पास 70 रुपीज़ बचेगा। और ये जब 100 रुपीज़ के पास दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 140 रुपीज़, क्योंकि 40 रुपीज़ ऑलरेडी है, 100 रुपीज़ ये मिस्टर बी से लिया, इसके पास हो जाएगा 140 रुपीज़। राइट, अच्छा देखिए, अब बी के पास जो अमाउंट है इसका डबल है कि नहीं। देखिए 140 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 70, यानी इसका डबल है। राइट, यानी हमारा यहीं पर सही हो गया, आप दूसरा को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग जस्ट आई एम टेकिंग दैट वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, कम ऑन। अब वाई बोलता है, अगर वाई बोलता है कि अगर आप मुझे, अब इसको मिटा दें, ये तो वेरीफाई हो गया ताकि आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब वाई बोलता है कि अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दे दो, तो अगर ये दे देता है 10 रुपीज़ तो वाई के पास हो जाता है 180 रुपीज़। राइट, तब ए के जो 10 रुपीज़ दे चुका है ऑलरेडी, तो ए विल हैव 30 रुपीज़, ए के पास 30 रुपीज़ होगा। और देखिए अब 180 जो बी के पास पैसा है वह 6 times है कि नहीं 30 रुपीज़ का। ठीक है, 6 times 180, ये देखिए, क्लियर। तो इसी यही चीज़ अगर एक बोल रहा है कि आई सेल यू 6 times एज यू इफ यू आर गिविंग 10 रुपीज़। तो देखिए इस तरह की ये शिफ्टिंग प्रॉब्लम है और हर तरह के कंपटीशंस में ये पूछी जाती है। हाँ, और एट लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग प्लीज़ इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, अगर लगता है आपको कि हाँ ये सर का बताने का तरीका या एकेडमी का बताने का तरीका ये अच्छा है, आपको इजीली सिंपल वे में समझ में आ जा रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग प्रमोट करिए दूर तक और लोगों तक पहुँचाएँ जो है। ठीक है, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोग तक। और ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो देखिएगा उसमें जो चैनलिस्ट सपोर्टर्स हैं, ठीक है, तो उन लोगों को प्लीज़ आप मतलब उन लोगों को भी आप लोग जो है सपोर्ट करिए, जो मतलब अच्छा आपको लगेगा, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं वो चीज़ आपको सीखने की मिलती है, जानकारी मिलती है। तो हमारे जो अदर चैनलिस्ट भी हैं, ठीक, सपोर्टर्स, आप लोग उनको भी सपोर्ट करिए। ठीक है ना, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। वी आर मीटिंग वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी